स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्पोर्ट इलेवन में। फ्रेंड्स यहाँ बात करने वाले हैं जो ढाका प्रीमियर लीग में फ्रेंड्स यहाँ से अवाहाने लिमिटेड और सिनेपोकर क्रिकेट क्लब के बीच में जो मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से 19वां मुकाबला खेला जाएगा। ये आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस खेले हैं। तो फ्रेंड्स इस मैच में मैं इनका रिकॉर्ड्स नहीं ला पाया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या प्लेइंग इलेवन रहने वाली है और कौन से प्लेयर आपके लिए बेहतरीन रह सकते हैं, कौन से किस फॉर्म में चल रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे दूंगा। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। उससे फ्रेंड्स आगे आने वाले हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स आगे से जो भी मैचेस आएंगे विथ परफॉर्मेंस के साथ मैं लाऊंगा फ्रेंड्स यहाँ पर, यहाँ पर जितने मैचेस जिस टीम ने यहाँ से खेले हैं। तो फ्रेंड्स क्या रहेगी प्लेइंग इलेवन ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो 19वां मुकाबला खेला जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से मैच आप देख सकते हैं यहाँ से खान साहब अली स्टेडियम यहाँ से फतुल्ला में मैच खेला जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से वीनस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रिसेंट मैच हुआ था तो वहाँ पर 181 रन पर फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल आउट हो गई थी टीम, और सेकेंड टीम ने यहाँ से 201 रन आप देख सकते हैं यहाँ पर 201 मतलब 8 विकेट पर बनाए थे इन्होंने और 181 पे यहाँ पर ऑल आउट, मतलब विकेट्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो आपने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है इधर पर। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टीमें हैं तो अवाहानी ने फ्रेंड्स यहाँ पे लगातार 4 मैचेस जीते हैं और 1 मैचेस यहाँ पे हारा है, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से सिनेपोकर ने फ्रेंड्स लगातार 4 मैचेस हार के 1 मैचेस यहाँ पे विन किया है। तो ये तो रहा है इनका परफॉर्मेंस। इसके अलावा आप यहाँ पे स्क्वाड देख लें कि भाई स्क्वाड में जो प्लेयर है आप उनको अगर अपनी टीम में लिए हुए हैं ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम इलेवन में पहला मैच दिखा रहा है, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल यहाँ पे स्क्वाड में से ही अपने प्लेयर ट्राई करिएगा। दोनों टीमों का स्क्वाड दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए क्या रहेगी प्लेइंग इलेवन। और फिर टीम न्यूज की बात करें तो फ्रेंड्स यही प्लेइंग इलेवन यहाँ पे रहने वाली है, मतलब बैटिंग ऑर्डर लिखा है वो मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए अवाहाने की तरफ से बात करते हैं, फ्रेंड्स इनकी तरफ से देखिए आप यहाँ से आपको जरूर हुसैन खेलते हुए मिल जाएंगे विकेट कीपर सेक्शन में। अब फ्रेंड्स इन्होंने एक सेंचुरी लगाई, ये आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं, तो आप इनको ट्राई करिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जाहिद जबीद आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ खास प्रोफेशनल लास्ट मैच में इनको ऊपर लाया गया था। और इसके अलावा आपके पास वसीम जाफर मिल जाएंगे खेलते हुए, आप ट्राई करना चाहते हो इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा निजबुल हुसैन सेंटो आपके लिए अच्छे चॉइस रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे सैफुद्दीन आपके लिए अच्छे चॉइस रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स यहाँ से आप यहाँ से शब्बीर रहमान को ट्राई कर सकते हैं। मैंने आप फ्रेंड्स यहाँ से आप भी लिखा है, लेकिन आप यहाँ पर शब्बीर रहमान है इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं मोहद्दत हुसैन भी आपके लिए बेहतरीन चॉइस है, और लगातार इनका भी ठीक ठाक फॉर्म है, तो इनको आप ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नीचे ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा मशरफी मुर्तजा को लास्ट मैच खेला गया था, तो फ्रेंड्स इन्होंने 2 मैचेस नहीं खेले, लास्ट मैच खेला था उसमें 26 रन बना के 2 विकेट निकाले थे, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। शमसुल इस्लाम बहुत अच्छी चॉइस रहने वाली है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा आपको रूबेल हुसैन मिल जाएंगे, आपको पता है इंपोर्टेंट चॉइस हो जाती है रूबेल हुसैन की, मेन बॉलर फ्रेंड्स यहाँ पे। और फ्रेंड्स इनके अलावा आपके पास यहाँ से आरिफुल हसन का ऑप्शन है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये 11 प्लेयर यहाँ पे मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं, और बाकी प्लेयरों का मैं आपके यहाँ से टीम बनाते समय बता दूंगा कि इनको मौका दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये सारे प्लेयर यहाँ पे आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, आप इनमें से अपने प्लेयर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे सिनेपोकर की तरफ से, यहाँ पे देखिए कॉल ओपनिंग आ रहे हैं, 2 मैचेस से इनको खिलाया जा रहा है, ओपनिंग आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे। और यहाँ से शब्बीर हुसैन का अच्छा फॉर्म चल रहा है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। अभी भी हुसैन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, कैप्टनसी कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इनको जरूर ट्राई करिएगा, कैप्टन है और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ से हरडोई का बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास स्वागत है होम, तो ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ से अमित हेसन को लास्ट मैच में खिलाया गया था, तो ये इस मैच में थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं। बाकी आपको रकीब खेलते हुए मिल जाएंगे और सोबो। अब फ्रेंड्स सोबो का आपको बता दें फ्रेंड्स अभी तक ये ओपनिंग आ रहे थे सोबो, लेकिन फ्रेंड्स लास्ट मैच इनको 7 नंबर पे लाया गया था, 8 नंबर पे। और फ्रेंड्स इसके अलावा बात करते हो तो आपके पास देवलियर हुसैन आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हो। हालांकि इनको अभी तक कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका, लेकिन फ्रेंड्स आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं, तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आप टीपू सुल्तान को ट्राई कर सकते हो, ये भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, आप यहाँ से सौरफुल इस्लाम को ट्राई कर सकते हो, तो आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। इन प्लेयर को आप ट्राई करना, ये प्लेयर अच्छा भी है। तो फ्रेंड्स ये 11 प्लेयर मेरे हिसाब से यहाँ पे खेलने वाले हैं, तो यही प्लेइंग इलेवन रहने वाले फ्रेंड्स यहाँ से सिनेपोकर की। और फ्रेंड्स ये प्लेइंग इलेवन रहने वाले है इधर पे आप देख सकते हैं यहाँ से अवाहाने की तरफ से। अब इसके अलावा यदि आपने और कहीं खेला है तो टाइम ना लेते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैं सीधा बता रहा हूँ यहाँ पे आपको कि भाई लीग एक्स पे खेलेगा, लीग एक्स पे खेलने के लिए आपको साइनअप करते 25 रुपये कैश वाला मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप हमारा रेफर कोड यूज़ करेंगे जो कि PKG हमारा रेफर कोड है, आप यहाँ पर ट्राई करते हैं तो 25 रुपये आपको मिल जाएगा। उसके अलावा 200 रुपये लीग एक्स तरफ से कैश बोनस तक मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास 100%
बोनस यूज हो जाता है आप खेलिएगा। उसके अलावा आप यहाँ पर दोनों विकेट कीपर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, और फ्रेंड्स आप यहाँ पर ले सकते हैं 4 ऑलराउंडर को अपनी टीम में, तो बिल्कुल ईजिली अपनी टीम बना सकते हैं आप, अपनी मर्जी से यहाँ पर टीम मेक करिएगा। इसके अलावा आपने देखिए यदि आपको लगता है कि भाई विकेट्स यहाँ पर ज़्यादा गिरते हैं तो आप यहाँ से 7 बॉलर तक अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपने लगता है कि यहाँ पर रन ज़्यादा बनते हैं तो भाई 7 बैट्समैन को ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता ऐसी साइड और कहीं आपको मिलने वाले खेलने के लिए, आप यहाँ पर मन की टीम बनाइए और अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बात करते हैं तो आपने माई टीम 11 पर भी खेलना चालू नहीं किया तो वहाँ पर अभी भी पुराना वाला सिस्टम भी चल रहा है, जो आप पहले खेल रहे थे 1 घंटा पहले डेडलाइन हो जाती है, और अभी बाद वाला सिस्टम भी है। मतलब आप सेफ खेलना चाहते हो वहाँ पर आपको 22 खिलाड़ी भी दिखा दिए जाएंगे यदि आप सेफ खेलते हैं तो, और फ्रेंड्स आप अपनी टीम बना सकते हैं। लास्ट तक और खेलने के लिए आपको यहाँ से साइनअप करते हैं 100 रुपये कैश बोनस मिल जाएगा, आपने बस वेरीफिकेशन प्रोसेस पूरी कर लेनी तो फ्रेंड्स 100 रुपये आप यूज भी कर सकते हैं। लीग बहुत अच्छी खुलती है, मतलब आप यहाँ से कम अमाउंट में फ्रेंड्स यहाँ से ज़्यादा अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं, तो आप जरूर खेलेगा माई टीम 11 पर बहुत अच्छा रहने वाला है, आप बिल्कुल यहाँ पर खेल के अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए हाला प्ले, अब आपने हाला प्ले पे खेलना चालू नहीं किया तो खेलेगा, साइनअप करते ही आपको 100 रुपये कैश बोनस दे दिया जाएगा खेलने के लिए, और उसके अलावा 100 रुपये आप चाहें तो फ्रेंड्स एक लीग में एक साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एक बार में 99 वाली लीग खेलें तो मतलब आप कैश बोनस भी 100% यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ भी आपको दोनों टीमों का प्लेइंग 11 दिखा दिया जाता है कि ये प्लेयर खेल रहे हैं, भाई टोटली इतने प्लेयर हैं खेल रहे हैं, तो इनमें से आपने प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप खेलिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 100% कैश बोनस है, और सब जगह आप लास्ट तक बिल्कुल अपनी टीम को एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पे खेलिए, आप यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स यदि आपने बल्लेबाजी.com को खेला है तो बल्लेबाजी में फ्रेंड्स यहाँ पे बैटिंग वाली आप टीम अलग बना सकते हैं, अपनी बॉलिंग वाली टीम अलग बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपने अलग अलग टीम मेक करना रहता है। इसके अलावा नॉर्मल फ्रेंड्स खेलना है तो आप जैसे सब जगह खेलते हैं वैसे भी खेल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे खेलने के लिए आप साइनअप करेंगे तो 50 रुपये कैश बोनस आपको फ्री में मिल जाएगा खेलने के लिए, तो आप बिल्कुल यहाँ से खेल के भी अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सारी साइटों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, साथ में आपको मिल जाएगा रेफर कोड, तो फ्रेंड्स आप ऐसे साइनअप करके अच्छा अमाउंट विन भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आगे से जो भी मैचेस आने वाले हैं फ्रेंड्स, आज मैं शायद कवर ना कर पाऊँ, लेकिन इसके बाद जो भी मैचेस यहाँ पे रहेंगे विथ परफॉर्मेंस के साथ में आपके पास बैट सेम, मतलब सब कुछ जो आपको पहले से दिखाता आ रहा हूँ वैसे ही वीडियो लेके आऊँगा। इस मैच में आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखा सका, फिर भी मेरे से जितना बनेगा मैं आपको यहाँ से हेल्प करने वाला हूँ। तो देखिए विकेट कीपिंग में आपने फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक मैचेस में इनको लास्ट मैच में यहाँ से खिलाया गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने दिखाया लास्ट मैच में खेले थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे नहीं लगता इनको मौका दे सकती टीम, नहीं दे सकती, 2 मैचेस में इनको खिलाया गया था, तो फ्रेंड्स ये रिस्की रहने वाले हैं। आप ग्रैंड लीग खेलें स्मॉल लीग खेलें, आप यहाँ पर इस्लाम को ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर सेंचुरी भी लगाई और आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए हरिदो को आप ट्राई कर सकते हैं जो कि पार्ट टाइम यहाँ पर आपके अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आप इनको बिल्कुल ट्राई करिएगा। इसके अलावा आपके पास देखिए ऑप्शन काफ़ी हैं, आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ से सद्दाम को ट्राई कर सकते हैं, आप यहाँ से कॉल को ट्राई कर सकते हैं ओपनिंग आएंगे। इसके अलावा मैं यहाँ से निजमुल हुसैन को ट्राई करूँगा, ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। बाकी आपने लेना वासिम को तो वासिम जाफर आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, उनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी ए हुसैन को मैं यहाँ से ट्राई करने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए यहाँ से इस्पाल को पहले ही लाया गया था, फिर उनको फ्रेंड्स यहाँ से रेस्ट दिया गया, के सिल्वा रिस्की रहने वाले हैं। बाकी यहाँ से आपने ले तो आप रकीब और फ्रेंड्स यहाँ से जवेद को ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है ग्रैंड लीग में। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो मैं यहाँ से सबेर हुसैन को ट्राई करूँगा, मैं यहाँ से लूँगा फ्रेंड्स यहाँ से सबेर रहमान को और मोहम्मद सैफुद्दीन। अब मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे आपके पास बेहतरीन जो चॉइस रहने वाले, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉइस आपके लिए काफ़ी, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे जो 3 ऑलराउंडर बचते हैं आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, जैसे ऐसो में स्वागत हम आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, हालांकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, लेकिन मोहद्दक हुसैन का अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उनको आप ट्राई कर सकते हो। बैटिंग आएगी इनकी काफ़ी नीचे खेलने के लिए आते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, और फ्रेंड्स यहाँ पे लोअर ऑर्डर में खेलने के लिए बैटिंग अच्छी कर लेते हैं और उसके साथ साथ बॉल भी अच्छी करा लेते हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। और फ्रेंड्स यहाँ से सुबह जो कोई ओपनिंग आ रहे थे मैं आपको पहले ही बता रहा था, लास्ट मैच में इनको 8 नंबर पर लाया गया था, फिर भी उन्होंने 13-14 रन कुछ बनाए थे, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए चॉइस हो सकती है, आप बिल्कुल इनको ट्राई करेगा ग्रैंड लीग में, आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 ऑलराउंडर को पिक किया है, तो फ्रेंड्स मेरे 3 ऑलराउंडर ये रहने वाले हैं, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास बॉलिंग में आपके पास ऑप्शन है सारिफुल इस्लाम का, जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मसरफ मोर्तजा ने 2 विकेट निकाले लास्ट मैच में, इनको ट्राई कर सकते हो, साथ में यहाँ से 26 रन भी बनाए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 2 बॉलर्स को मैंने यहाँ से ट्राई किया है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपने लेना तो आप यहाँ से डी हुसैन को ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्रेडिट का इशू हो जाएगा यदि आप सारे प्लेयरों को यहाँ पे पिक कर लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपने लेना यदि रोबिल हुसैन को तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको शमसुल इस्लाम खेलते मिल जाएंगे तो आप इनको अपडेट में बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से आपको
निजमूल इस्लाम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टीपू सुल्तान आपको यहाँ से खेलते हुए दिखने वाले हैं। हालांकि टीपू सुल्तान की बात तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप डे हुसैन को ट्राई कर सकते हैं, आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से हावलड़कर को लास्ट में यहाँ से रिमूव किया गया था, तो आप इनको अपनी टीम में बिल्कुल नहीं ले सकते, स्मॉल लीग में खास कर इनसे दूर रह सकते हैं। बाकी यहाँ से शमसुल इस्लाम आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है ये भी, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ से निजमूल हुसैन को भी यहाँ से इस्लाम को रेस्ट दिया गया था। इसके अलावा तजुल इस्लाम आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हो टीपू सुल्तान, तो इनको बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आरिफ उल हसन मेरे हिसाब से आपके लिए सेफ है, तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपकी मर्जी रहेगी आपने यहाँ से किसको ट्राई करना है। बाकी देखिए मैं यहाँ से इस्लाम को ट्राई करता हूँ, और आपके पास यहाँ पे देखिए 8K डेट है, तो या तो आप यहाँ से टीपू सुल्तान को ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करते हो और प्लेयर की, तो आपके पास यहाँ से बैटिंग सेक्शन में से और रकीब का ऑप्शन है, रकीब मेरे हिसाब से आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी रहेगी आपने यहाँ से किस प्लेयर को ट्राई करना है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप यहाँ से चेंजेस अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ से आप अलबाहर की तरफ से यदि चेंजेस करना चाहें एक बॉलर्स में, तो आप बिल्कुल यहाँ पे चेंज करके आप अपनी मर्जी से कोई सा बॉलर ले सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन काफ़ी है, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। जैसे आपने तो डे हुसैन को आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, बाकी यहाँ से आप लेना है तो सौरभ को यहाँ से ट्राई कर सकते हो, तो काफ़ी प्लेयर आपको खेलते हुए भी दिख जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन अच्छा रहने वाला है टीपू सुल्तान का, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया बैटिंग सेक्शन में से आपने चेंज करते हो, एक चॉइस आपके ऊपर रहने वाली है, आपने जो भी चेंजेस करना अपनी मर्जी से आप चेंजेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप यदि बैटिंग में चेंजेस कर सकते हो, बॉलिंग में चेंजेस कर सकते हो, तो आपने बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस कर ही लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एवरेज टीम मैंने यहाँ पे मेक किया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डी हुसैन को ट्राई किया है, और आप ऐसे इस्लाम को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए मैंने इंपॉर्टेंट चॉइस काफ़ी है यहाँ से, आपने लगता है यदि आपको यहाँ से टीपू सुल्तान को अपनी टीम में नहीं लेना, तो फ्रेंड्स इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन आज के मैच में आपको परफॉर्मेंस करके दे सकते हो, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी आपने चेंजेस कर तो अपनी मर्जी से यहाँ पर बैटिंग में आप जाकर रकीब को ट्राई कर सकते हो। अब देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो फ्रेंड्स आपको पता है यहाँ से शब्बीर हसन का अच्छा फॉर्म चल रहा है, इनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आपके पास यहाँ से शब्बीर रहमान है और मोहम्मद सैफुद्दीन, तो बहुत अच्छी चॉइस है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास दो ऑप्शन और भी अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आप ऑलराउंडर के साथ ही जाएगा, स्मॉल लीग खेलते हैं, बाकी आप खेलते हैं ग्रैंड लीग, तो आप फ्रेंड्स किसी बॉलर के साथ में जैसे 26 रन लगा के 2 विकेट निकाले, माना यहाँ पर फिर से यदि 30-40 रन लगा दिए मोहर्तजा ने और 3-4 विकेट दो निकाल दिए, तो फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बनाएगा, तो आप ग्रैंड लीग भी इजिली विन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको आज के मैच में समझ में आ गई होंगी, और जो आगे से मैचेस आएंगे तो वो विथ परफॉर्मेंस के साथ में मैं लेके आऊँगा आपके लिए सारे मैचेस ढाका प्रीमियर लीग के। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पे आने वाले मैचेस के जो वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, और कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।